बांग्लादेश घुसपैठिए डॉक्टर को कसरावत पुलिस ने गिरफ्तार किया। आकाश पिता अंचित राय के खिलाफ कसरावत पुलिस ने धारा 420 पासपोर्ट एक्ट फॉरेनल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। 20 दिसंबर तक पुलिस डिमांड पर कड़ी पूछताछ कर रही है। पुलिस वर्ष 2009 में भारत के कोलकाता में आया था। फर्जी दस्तावेज बनाकर जिले में वर्ष 2017 तीन वर्षों से रह रहा था। कसरावत के मटन मार्केट में एक माह से झोला छाप डॉक्टर का कर रहा था पेशा। नागरिकता संशोधन कानून और NRC के विरोध के बीच बांग्लादेश घुसपैठिए डॉक्टर को गिरफ्तार किया। कुछ समय पहले कसरावत थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जो शायद किसी बांग्लादेश या कहीं और का रहने वाला है, कुछ उसके आचरण संदिग्ध है। इस पर थाना प्रभारी द्वारा तस्दीक की गई और पूछताछ करने पर उसके आचरण के हिसाब से उसको जब पकड़ा गया तो मालूम चला कि वो बांग्लादेश का रहने वाला है और कसरावत में पिछले एक महीने से फर्जी तरीके से रह रहा था। व्यक्ति का नाम आकाश रॉय, पिता अंचित रॉय है और यह सिंगा सोलपुर नरायल जिला का रहने वाला है, जो बांग्लादेश का रहने वाला है। ये 2009 में कलकत्ता में सबसे पहले पहुंचा था, उसके बाद फिर प्रतापनगर उत्तर प्रदेश पहुंचा और उसके बाद से 2017 से खरगोन जिले में निवासरत था। पहले खरगोन में कुछ समय रहा, उसके बाद अभी पिछले एक महीने से कसरावत के मटन मार्केट के पास रह रहा था और ये जो बंगाली डॉक्टर हैं उस प्रकार की कुछ अपनी पेशा अपनाए हुए था और उस प्रकार के कार्य को करता था। सर, और भी इसके साथी होंगे साथ में आए होंगे? अभी इसकी पुलिस रिमांड ली गई, 20 तारीख तक पुलिस रिमांड पर है और पूछताछ में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं सर, वो फर्जी रूप से वो बनाए थे सर, बता रहे थे। पुलिस ने उसके पास से जो मार्कशीट जब्त की है वो कलकत्ता की है, जो भी उसने उसके द्वारा बताया गया कि फर्जी तरीके से बनवाई गई है। इसके अलावा उसके पास का खरगोन जिले का आधार कार्ड और अन्य वोटर आईडी कार्ड हैं, जिनकी दस्तावेजों की जांच यहाँ कलेक्ट्रेट से करवाई जा रही है और पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो किस आधार पर बने हैं और किन लोगों के द्वारा बनवाए गए हैं। अब किस प्रकार से कार्रवाई? पुलिस ने 420 और पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत उसके विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया है और अभी 20 तारीख तक पुलिस रिमांड पर आरोपी कसरावत थाने के पास। दस्तावेज तैयार करें उनके खिलाफ कोई कार्रवाई? दस्तावेजों में उसने किन चीज़ों का उपयोग किया है पहले ये पता लगाया जाएगा। यदि वो दस्तावेज उसने अवैध तरीके से प्राप्त करके बनवाए कहीं से तो उनके ऊपर होगी, या उसने दस्तावेजों की कूट रचना की है तो उसके आधार पर कार्रवाई होगी, वो अभी उनका मिलान किया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।